लोग को ये बताइए कि खेत की जो तैयारी हम लोग को करनी होती है वो किस तरह से करनी होती है, उसमें क्या सावधानी बरतनी होती है। जैसा कि आपने बताया कि जो हम लोग पानी लगाते हैं उसका जो तरीका होता है, तो इसको थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए कि क्या सही तरीका है। वास्तव में जब हमारा खेत खाली होता है उसके पहले हम आलू लगाए हैं या सरसों लगाए हैं या जो भी फसल लगाए हैं, जब वो खाली होता है तो हम उसकी अच्छी तरह से जुताई करते हैं। जुताई करके उसको लेवल कर लेते हैं, पाटा चला देते हैं। उसके बाद हम उसको अलग अलग क्यारियों में बांट लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये सारी क्यारियाँ जो हैं बंटी हुई हैं और बीच बीच में नाली भी बनी हुई है, उसी नाली से हम सिंचाई करते हैं। और अगर हमारे पास मान लीजिए हमने नाली नहीं बनाई है, छोटी छोटी क्यारियों में नहीं बांटा है, जैसे आप इधर देख रहे होंगे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लंबी क्यारी होने पर, बिना नाली के होने पर, सीधा सीधा पानी जब वहाँ चलता है तो सीधे आकर के एक किनारे लगता है। जो भी उसमें फर्टिलाइज़र हमने डाला है, जो भी खाद पानी दिया, सब एक किनारे लग जाता है और सारी उर्वरा शक्ति एक तरफ पहुँच जाती है, जिससे कि पौधों को नुकसान होता है। लेकिन जब हम क्यारी क्यारी बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी पानी हमने दिया है वो जो है उसी क्यारी में रह जाता है, और उस क्यारी का पानी जो है जब एक लेवल पे आ जाता है उसी समय हम उसका मुंह बंद कर देते हैं। जो भी खाद हमने उसमें डाला है वो उसी में रुक जाएगी, जो भी चीज़ें उसमें डाला है वो सारा का सारा उसी में रह जाएगा, और हमें पानी का बचत होता है। पानी की बचत कैसे होता है? पानी की बचत इस तरह से होता है, जब पानी लगाए हम वहाँ पर, चूँकि उसी जगह पर खड़े होकर लगा रहे हैं, तो जिस समय पानी हमारा एक निश्चित मात्रा में पहुंच गया उसी समय हम मुँह बंद कर देते हैं। ज़्यादा पानी होने से पौधे अगर लगे हैं तो उनमें बीमारी आएगी तो पौधे मरेंगे। दूसरा क्या होगा, उस खेत में, उस क्यारी में जो भी पौधे बीमारी है वो दूसरी जगह पर नहीं जा पाएगी। ये सारे फायदे हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, क्यारी से उन्होंने जिस तरह से क्यारी बंद करी है तो अब इसका पानी दूसरी क्यारी में नहीं जाएगा। अब इसका जैसे बंद कर दिए, अब आप देखिए ये पानी लौट रहा ना, इधर से देखिए ये पानी लौट रहा ऐसे। अब लौटने के बाद भी इसी क्यारी में रह जाता है पूरा। अगर हम लोग हमारा मुँह खुला रहता तो ये पानी लौट करके दूसरी क्यारी में चला जाता, वो हमारे लिए नुकसानदायक था, इस क्यारी के लिए नुकसानदायक था। जिस पौधे के लिए हमने दिया था वो पौधा न पाता, पौधा हमारा कमज़ोर होता, उपज कम होती। ये सारी बातें, हम छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान दें तो हमारी उपज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो दूसरा, जिस तरह से अदर जो दूसरे लोग लगाते हैं पानी, उसको भी हम लोग चला देख लेते हैं कि किस तरह से लोग लगाते हैं। हाँ, ये पानी जो खुला हुआ वहाँ से वो सीधा चला आ रहा, उस क्यारी की खाद यहाँ आ गई ना, और इस क्यारी की खाद इस क्यारी में चली आई, तो जो पहली क्यारी है उसकी सारी खाद पानी के साथ बहते बहते एक किनारे आ गई। और जब भी हम पौधा लगाएंगे तो आप देखेंगे उस क्यारी के पौधे कमज़ोर होंगे, इस क्यारी के पौधे थोड़ा ठीक होंगे, लेकिन अंतिम वाली क्यारी के पौधे सबसे अच्छे होंगे। लेकिन अंतिम वाली क्यारी का नुकसान क्या होगा? पानी का। वहाँ पर पानी ज़्यादा भरेगा, और जब ज़्यादा पानी भर जाएगा तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग होने के नाते हमारे पौधों में बीमारी जल्दी आ जाएगी। ज़्यादा पानी होने से आप सभी लोगों को पता है, किसान भाइयों को भी पता है, ज़्यादा पानी लग जाता तो पौधे सड़ जाते हैं, पौधे गिर जाते हैं, बीमारी लग जाती है, और नुकसान अंत में हमारा होता है, किसान का होता है। जब पौधे ही नहीं तो तेल कहाँ से पैदा होगा। इसलिए सबसे पहले किसान भाइयों के चाहिए छोटी क्यारी बनाएं, नाली से पानी सिंचाई करें, एक नाली से जब सिंचाई करें तो एक क्यारी का पानी लगने के बाद दूसरी क्यारी में खोलें, धीरे धीरे करके पानी लगाएं, जिससे कि सभी जो भी उर्वरक आपने दिया है, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास, यूरिया जो भी दिया है, सब कुछ उस क्यारी की मात्रा उसी में रह जाए। डॉक्टर साहब, हम लोग देख पा रहे हैं कि खेत सारे तैयार हो चुके हैं, पानी लग रहा है। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि इसमें जो उर्वरक हम लोग डालते हैं उसकी क्या सही मात्रा होती है, कौन कौन से उर्वरक की बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत रहती है? देखिए, जब भी हम उर्वरक की मात्रा तय करें तो अच्छा होगा कि हम मिट्टी की जाँच कर लें। जो हम मिट्टी की जाँच करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, या मिट्टी कितना क्षारीय है, अम्लीय है, जिसको हम लोग पीएच कहते हैं, इसको देख लेते हैं, और उसी हिसाब से हर खेत में हम खाद डालते हैं। खाद डालने के लिए लोग कहते हैं कि मतलब ये खाद डालिए, वो खाद डालिए, लेकिन हम लोग कहते हैं कि इसमें सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास और यूरिया नाइट्रोजन के लिए खेत में डालना चाहिए। बहुत पहले किसान यहाँ पोटास नहीं डालते थे, लेकिन
जब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया इनके साथ, ये लोग पोटास डालना शुरू किए, बल्कि ये लोग पोटास के लिए मांगते भी हैं कि पोटास हमें ज़रूर डालना है। तो इनका जब हम सॉइल टेस्टिंग कर लेते हैं, मृदा परीक्षण कर लेते हैं, उस समय पर उसके अनुसार लगभग 32 किलो सुपर फास्फेट और 8 किलो पोटास और 11 किलो यूरिया एक बीघा 1000 स्क्वायर मीटर में हम इनको रिकमेंड करते हैं और ये डालते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन जब मृदा परीक्षण हो जाता है, उसके अनुसार जब डालते हैं, तो जिस तरह से टेस्टिंग रिपोर्ट आती है, उस हिसाब से इनको बताते हैं और उस हिसाब से लोग खाद डालते हैं। हमारे किसान भाइयों का हमारे पिछले वीडियो में एक सवाल था कि DAP को हटा के SSP देना ज़्यादा सही है कि DAP ही सही है? देखें, हम लोग जब से काम करना शुरू किए, DAP बंद कर दिए, DAP हम नहीं डाल रहे हैं। कारण क्या है? देखें, एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि DAP बहुत महंगी है, 1200 से 1400 रुपये बोरी पड़ती है। सिंगल सुपर फास्फेट या SSP जिसको हम लोग कहते हैं, सुपर जिसको कहते हैं, वो जो है 350 से 400 रुपये की बोरी पड़ती है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है सुपर के साथ कि इसमें सल्फर फ्री में मिल जाता है, साथ साथ कैल्शियम भी इसमें रहता है। तो ये सुपर सल्फर और कैल्शियम ये दोनों हम खरीद के नहीं डालते, हमारा वो फ़ायदा होता है, पैसे की बचत होती है। उसके बाद क्या है, हमारा DAP के साथ जब हम करते हैं तो DAP में क्या है, सुपर तो अच्छा है, सिंगल सुपर फास्फेट से ज़्यादा उसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, लेकिन यूरिया कम होती है और पोटास ना के बराबर होता है। और जब हम तीनों एक साथ डालते हैं, रिकमेंडेड डोज डालते हैं, तो उससे क्या होता कि संतुलित मात्रा में हम खाद को देते हैं, जिससे कि हमारे पौधों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, तेल बनने की प्रक्रिया अच्छी होती है। इस तरह से हम अपने किसानों को बताते हैं कि आप सिंगल सुपर फास्फेट डालिए, पोटास डालिए और यूरिया डालिए, न कि DAP डालिए। डॉक्टर सर, हम लोग का एक और प्रश्न था कि रोपाई हो जाने के बाद खरपतवार के लिए वो लोग क्या करें? हाँ, देखें, रोपाई होने के बाद एक दवा आती पेंडामेथिलीन, लोग पनीडा भी कहते हैं, पेंडा भी कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि डालिए। और उसको डालने के लिए ऐसा करना पड़ता है, जैसे आज रोपाई हमारी हो गई तो 24 से 48 घंटे के बीच में हम उसको डालते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, रोपाई होने के पहले ही जब पानी लगाते हैं उसी में डाल देते हैं, उससे डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो हम ये डालते हैं पनीडा या पेंडामेथिलीन, इससे ये फ़ायदा है कि जो बीज खरपतवार के बीज जमना शुरू हुए उसी समय पर ही वो मर जाते हैं। जैसे अंकुरण हुआ, उनका ऊपर का छिलका फटा, उसी समय पर अगर हमारी दवा पहुँच गई उनके ऊपर तो वहीं पर वो खत्म मर जाते हैं, फिर वो आगे पौधा नहीं बन पाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। लेकिन अगर हम पानी लगाने से पहले या पानी लगाते समय डाल दिए, तो उस समय पर तो दवा अंदर जाएगी लेकिन बीज में अंकुरण है नहीं, तो बीज मरेगा नहीं, तो हमारे लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं होगी। इसलिए 24 से 48 घंटे के अंदर हम उसको डाल दें। बात एक और है कि कुछ लोग कहते हैं कि पंडा डालने से पौधे की बढ़वार रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी किसान भाई डाल कर देखें, हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें बड़े आराम से हो जाएगा। और एक टंकी में 55 से 60 ml मिलीलीटर एक टंकी में 15 लीटर वाले टंकी में डालें और उसके स्प्रे करें। स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें कि जो नाजिल है उसको थोड़ा नीचे करके, जिससे कि मात्रा जो है वो ज़मीन पर पड़े, न कि इधर उधर उड़े। इधर उधर उड़ेगी हमारे पौधे पर पड़ेगी, हमारे दूसरे उस पर जाएगा, उससे नुकसान होगा। इसलिए ज़मीन पर जब भी हम डालेंगे तो सीधे ज़मीन के अंदर जाएगा और बीज को मार देगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इधर बाराबंकी एरिया में आप कब से कार्य कर रहे हैं? बाराबंकी एरिया में हमारी संस्था जो है पिछले 4 साल से काम कर रही है और हम लगभग पूरे बाराबंकी को कवर कर चुके हैं और इस समय हम लोग करीब 22,000 किसानों के साथ काम कर रहे हैं और सभी के साथ 1,000 स्क्वायर मीटर या एक बीघा जो इनका बाराबंकी का बीघा उसके हिसाब से हम उस पर काम करते हैं और सबके साथ काम करते हैं। डॉक्टर सर, ये बताइए कि 5 साल पहले जब यहाँ आप आए थे तो लोगों का मोटा मोटा
कितना उपज होती थी और आपके आने के बाद, इतना समय बिताने के बाद, अब उनकी उपज कितनी हो रही है? जब हम लोग आए थे तो किसी का 10 किलो, किसी का 12 किलो बीघा के हिसाब से होता था, लेकिन आज ये सारे लोग 16 से लेकर के 22-24 किलो तक प्रति बीघा का तेल निकाल रहे हैं। तो ये इनका एक तो सबसे बड़ी बात है कि जड़ जो हम लोग स्टोलन दिए उसका प्रभाव पड़ा, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का दिए वो पड़ा, दूसरा कृषि पद्धति कैसे की जाए, कब कब क्या डाला जाए, कैसे कैसे डाला जाए, इन सारी चीज़ों को जब इन लोगों ने ध्यान में लिया तो ये पैदावार इनको बढ़कर मिली और सारे किसान काफ़ी उत्साहित हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको अपनी उपज बढ़ानी है तो डॉक्टर साहब की जो रिकमेंडेड चीज़ें उनको मानिए और उनके साथ चलिए।